वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो फटाफट से जाएं, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो बहुत टाइम बाद आज एक मेरा मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है, एक मेकअप वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होने वाला है, एंड वो भी मैं अपने तरफ से नहीं करूँगी, मेरी कज़िन मुझे मेकअप के लिए रेडी करेगी। मुझे पता नहीं मेरे फेस पे कैसा कैसा एक्सपेरिमेंट करेगी। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कज़िन के बारे में बोल देती हूँ कि उसने भी अपना एक न्यू यूट्यूब चैनल शुरू किया है, विच इज़ आइज़ ऑन यू, एंड उसका इंस्टाग्राम आईडी है महक लखोटिया। मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसने अपना एक नेचुरल लुक वाला फर्स्ट वीडियो आईजीटीवी पे शेयर किया है। सो मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत सारी चीज़ें वो करती है, उसके लाइफस्टाइल्स के बारे में वो आप लोगों को शेयर करेगी। बहुत सारे हैं, मैं सब चीज़ें बता दूंगी तो फिर आप उसका जाके वीडियो नहीं देखोगे, तो इसीलिए आप उसका जाके वीडियो चेकआउट करो, उसका प्रोफाइल चेकआउट करो एंड उसको फॉलो करो, सपोर्ट करो, बिकॉज सही में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और आज वही मेरा मेकअप करने वाली है, आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, वो भी महक लखोटिया से। तो एक बार जोरदार तालियां करते हैं मेरी कजिन महक के लिए। आ जा। सो शी इज माय कजिन जो आज मेरा थोबड़ा बिगाड़ेगी या संवारेगी, जो भी आप लोगों के सामने लाइव रहने वाला है, एंड शी इज फ्रॉम बैंगलोर। कुछ अपना इंट्रोडक्शन दो। हाय, महक लखोटिया। इसका तो चेहरा मैं बिगाड़ूंगी क्योंकि ये मेरी बहन है, वो भी बड़ी। एंड इस पे आते हैं जो कि इसने खाई है, कितनी कटिंग है वो काटू कोनी में व्हाट तुम काटना पड़ी हो। ये वीडियो मैं कुछ भी कटिंग नहीं करने वाली हूँ, उसका मैं कुछ भी ट्रिमिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि देखो कि ये किस तरह से नर्वस है, एंड आप लोग भी गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं नर्वस होऊंगी और मेरे चलो स्टार्ट वापस चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या बिगाड़ोगी? ओके, सो ये बहुत ही सिंपल वाला मेकअप लुक करेगी, बिकॉज घर पे है तो ज्यादा मैं हैवी लुक नहीं करवाने वाली हूँ, सिंपल सा एक मेरा नेचुरल मेकअप लुक होगा। इसका भी सेम थोड़ा नेचुरल वाला है, तो वैसा ही कुछ वो मेरा करने वाली है। धीरे धीरे टाइम निकलेगा तब वो बहुत सारे आई शेडोज को लेके एक्सपेरिमेंट करेगी, आईज को लेके करेगी, क्योंकि उसका चैनल का नाम है आईज ऑन यू, एंड वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है आईज मेकअप के लिए। सो उसके वीडियोस देखना, आज का ये पहले मेरा वीडियो देख लो कि वो किस तरह से मुझे तैयार करी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देख लेना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो मेरा जो मेकअप लुक होने वाला है, सारे प्रोडक्ट्स ये यूज करेगी, सारे प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन भी ये देगी, तो इससे जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आज यूज करने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। प्राइमर इज मस्ट, थोड़ा दिखा दो। ऑफ कोर्स, सो दिस इज द प्राइमर। ओके एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ। सो ये है प्राइमर स्विस ब्यूटी का। थोड़ा सा हाथ जंबल होने वाला है, मैनेज कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। सो बैक ऑफ द हैंड में लूंगी एंड ओनली वन पंप, मेरे थोपड़े के लिए काफी है, छोटा सा पंप। इसमें प्राइमर है और हाइलाइटिंग है, तो आपका टू इन वन वाला काम हो जाएगा। प्राइमर एंड हाइलाइटिंग हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कंसील। दिस इज एले गर्ल प्रो कंसील इन द शेड मीडियम बेज। मीडियम बेज, नेक्स्ट चलो। दिस इज द नेचुरल लुक, इसीलिए फाउंडेशन कुछ यूज नहीं होगा, जो भी है थोड़ा बहुत कंसीलर ही यूज होने वाला है, एंड उसने मुझे सही में भूतनी बना दिया। नेक्स्ट ब्रश को होता, ये फ्लैट टॉप ब्रश है, बेसिकली अ फाउंडेशन ब्रश, या फाउंडेशन ब्रश जो कि फ्लैट टॉप ब्रश, मतलब ये ऐसे पूरा फ्लैट है ऊपर से। आप अगर चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो जो है इसके पास, बट हम लोग ब्रश ही यूज करेंगे, ब्रश एंड हैंड्स। चलो अब आप आंखें बंद कर लीजिए मैडम।
यार वीडियो में तो ये तो कॉन्फिडेंट को नहीं है, वीडियो में तो कॉन्फिडेंट हूँ उठा को नहीं मैं भी। बाय द वे दिस इज मारवाड़ी, दिस लैंग्वेज ये जिन मारवाड़ी लोगों को है। पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता जान लो कि हम दो मारवाड़ी सिस्टर्स हैं। हम लोगों से पंगा मत लेना, फटाफट से हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना वरना फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं गाइस ये मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डन विद द बेस, अब नेक्स्ट हो गया ना वालो। अब नेक्स्ट आईज, सो अब चलते हैं आई मेकअप या पे। आईज पे जाते हैं। कहाँ यहाँ यूज कर रही है, क्या यूज कर रही है पहले शो करो। या दिस इज मेबलिन फिट मी फाउंड सॉरी कंसीलर मैं दिखा देती हूँ ये इन द वाला, शेड 30। मेबलिन कंसीलर है विद द शेड 30 हनी। इसका क्या करोगी? ये मैं आईलेट पे लगाऊंगी ताकि इनका जो यू नो कलर स्किन टोन है ये डस्की स्किन टोन की है, तो आई शेडो जो भी मैं लगाऊंगी वो अच्छे से दिखेगा। कंसीलर जिसने आंखों को अच्छे से उसने डेवलप कर दिया है। अब नेक्स्ट यू नो जो भी मैं कंसीलर लगाई हूँ उसको सेट करने के लिए मैं मेबलिन फिट मी लूज पाउडर ले रही हूँ इन द शेड 15। लाइट एंड समथिंग कुछ बीच लिखा है शायद, मैं ब्रश एंड ढूंढ बीच में भूल गई उसने। मैं अपना लिप बाम लगा लेती हूँ बिकॉज ओ यार मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा लिप्स ज़रूरी को है। हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं तो ये कॉन्शियस हो जाती हूँ तो मुझे तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा सो ये है द बॉडी शॉप का लिप बाम इन द शेड स्ट्रॉबेरी इन द फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। पिंक कलर का शेड, आप लोग समझ जाएंगे उतना। ओके सो अब सेटिंग होने वाला है। जैसे इनका भी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं पूरे फेस पे नहीं लगाऊंगी। ओनली टी जोन जहाँ पे भी ज़्यादा पसीना आता है या ज़्यादा स्वेटिंग होती है। या लाइक नोज पे और अराउंड योर नोज। थोड़ा स्लो प्रोसेस है बिकॉज वो नहीं है एंड वो थोड़ी सी नर्वस है, बट जितना स्लोली आप अपने मेकअप को टाइम देते हो उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो सेटल डाउन होता है एंड ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। फाउंडेशन अच्छे से स्टिक होकर रहता है एंड आप उतने ज़्यादा ग्लोई एंड फ्रेश लगते हो। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी 32 कलर फॉर एवर। फैशन जिसमें 32 कलर्स हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है, लाइक इसमें पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। सो अब इसको यूज़ करेंगे। ये ओके ऐसा है सो मैं दिखा देती हूँ। सो अब कौन सा शेड चूज़ करोगी, कौन सा शेड लगाओगी? क्रीज ट्रांजिशन पे मैं पहले ये लगाऊंगी। ये बेसिकली अ हाइलाइटर है फ्रॉम मेबलिन मास्टर क्रोम इन द शेड गोल्ड, यू नो मेटालिक हाइलाइटर है। और पास ना, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक मेबलिन स्ट्रोक इन द शेड 100 मोल्टेन गोल्ड। तो या या ये लगाएगी ये हाइलाइटर है, आप दो तरीके से भी लगा सकते हो एज अ यू नो आई आई बेस। शेडो और एज हाइलाइटर।
नाउ इज ब्लश. मूविंग ऑन टू ब्लश. ब्लश मैं यूज कर रही हूँ कलरबार. कलरबार से है इन द शेड स्वीट स्कारलेट 016 कलरबार ब्लश. और ये डस्की स्किन टोन के लिए दी बेस्ट ब्लश है. ये बहुत पिगमेंटेड है गाइस, तो इसको जरूर डैप कीजिएगा अपने हाथ के पीछे और फिर लगाइएगा. प्लीज स्माइल. अब स्माइल करोगे देखा एप्पल्स ऑफ द चीक्स आ गए उधर ही. फिर लगाना है ब्लश. और ऐसे नहीं लगाना जो कि आप क्लाउन दिखो. हल्का हल्का. ओके, एकदम हल्का फुल्का. बहुत ही या एक्चुअली नेचुरल लुक आया है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी अभी तक तो. नेक्स्ट अभी यू नो सारे इवन और इक्वल करने के लिए थोड़ा सा ब्रश घुमा लेते पूरे फेस पे, वो भी बहुत ही हल्के हाथों से. ये देखिए. सो लैक्मे का आईलाइनर यूज कर रही है, ओल्ड इज गोल्ड. या मैंने सारे आईलाइनर चूज ट्राई कर चुकी हूँ पर नहीं मस्करा लगाते हैं ताकि यू नो आईलैश बड़े दिखे, अच्छे दिखे. ओके, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने मस्करा लगाया. मस्करा लाइफ में मैंने कभी नहीं लगाया था. और मस्करा अगर ज्यादा हो जाए तो आप जो आईब्रो का स्पूलियो होता है ना तो उसे आप क्लीन कर सकते हो फॉर अ नेचुरल लुक. आपको फिर ज्यादा ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी तक तो काफी अच्छा लगा है. नेक्स्ट इज कहिए आप हाइलाइटर. नेक्स्ट हाइलाइटर इनके लिए अगेन सेम जिस अगेन द सेम मेबलिन मास्टर क्रोम इन द गोल्ड इन द गोल्ड शेड इन द शेड गोल्ड गोल्ड. नो प्रॉब्लम. एक नेचुरल लुक देना है तो आप बस हल्के ही लगाइए, ज्यादा मत लगाइए वरना वो ग्लैम लुक हो जाएगा. लिपस्टिक मैं मैक का लगा रही हूँ. क्रेमशील फॉर्मूला में है और शेड है ऑन होल्ड. ये शेड अच्छा लगेगा इन पे. टोटली नेचुरल लुक आया है. डेली गोइंग गर्ल के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है. सो यस, ये फाइनल मेकअप लुक मेरा कंप्लीट हुआ. सिंपल एंड सोबर फॉर डेली गोइंग गर्ल. एंड थैंक यू सो मच महक. सो शी विल बी द फ्यूचर मेकअप आर्टिस्ट. होपफुली अच्छी वाली बनेगी बिकॉज उसके मेकअप ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हैं जो हमारे कजन्स वगैरह को उसने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया है. और इसके आई शेडो वाले जो आई मेकअप्स होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो इसके वीडियोज लगातार आने वाले हैं. और इसका चैनल का नाम वगैरह सब ये बताएगी. सो प्लीज़. हाय, आई एम महक लखोटिया एंड मेरा चैनल मेरा अभी अभी शुरू की हूँ तो विथ सपोर्ट ऑफ हर. एंड मेरा चैनल का नाम है आइज ऑन यू. Eyes on you. एंड मैं आगे बहुत ही जल्द और कंटिन्यूसली एक पर एक वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी अबाउट माई रूटीन्स विच इज स्किन केयर रूटीन्स, यू नो हेयर केयर रूटीन्स, मेकअप रूटीन्स एंड बेकिंग रूटीन्स. मैं क्या खाती हूँ एंड मैं क्या कुछ नया खाने में डिस्कवर करी हूँ वो सब मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी. प्लीज़
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हर चैनल एज वेल. प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड हर टू एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. एंड मैं मेरा फर्स्ट IGTV वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और प्लीज़ डू सपोर्ट मी सपोर्ट देयर एंड करे लाइक करे, करे कमेंट करे, शेयर करे करे, ये करे करे. करे. सो थैंक यस, यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. एंड दिस इज द फर्स्ट कोलैब वीडियो विथ माई कजन. एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसका मेकअप पसंद आया होगा. सो इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट किया सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल से, लेकिन वो बहुत अच्छे बोल्ड मेकअप्स करती है. एंड शी इज़ वेरी मच, मतलब लाइक परफेक्ट तो नहीं बोलूंगी बिकॉज उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बट उसके हिसाब से वो बहुत अच्छा मेकअप करती है. सो उसको फॉलो करें, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी. हम लोग को फटाफट से फॉलो करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो सारे मिलते रहेंगे. बाय.